भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ओबीसी मोर्चा की तरफ से आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे भीड़ है, ये भीड़ यहाँ पर दरअसल भंडारा खाने के लिए पहुँची हुई है। यहाँ पर ओबीसी मोर्चा की तरफ से इस भंडारे का वितरण किया गया था। भंडारे में छोले चावल का यहाँ पर जो है वो बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के तमाम ओबीसी के वो कार्यकर्ता हैं जो इसमें अपनी पूरी जुजान से मेहनत से यहाँ पर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बोर्ड भी दिखाई देगा जिसके अंदर साफ लिखा है कि सेवा एवं समर्पण अभियान है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था जिसके बाद से ही यह अभियान जो है वो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो सातों जो मोर्चे हैं उनको इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मोर्चों प्रकोष्ठों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर तमाम तरह के इस तरह के आयोजन करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा एवं समर्पण के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। तो ओबीसी मोर्चा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ओबीसी मोर्चा जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर फल वितरण का आयोजन करे या फिर भंडारे का आयोजन करे, तो इसीलिए आज ओबीसी मोर्चा की तरफ से इस तरह का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के तमाम मोर्चों को जो है अलग अलग तरह की जिम्मेदारी की गई थी। कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था तो कहीं पर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। तो वहीं अगर बात करें कि किसी मोर्चे को ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो है गरीब बस्तियों में जाके फल और वितरण का आयोजन करे, इसी तरह से तमाम मोर्चे जो हैं वो अपने अपने लेवल पर जो है इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। किसान मोर्चे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसान को सम्मानित करें, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो चुके हैं इसलिए 71 किसानों को जो है वो सम्मानित करना था। और जगह जगह इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में संवाद संपर्क के माध्यम से जो है इस अभियान की जो है वो कहीं ना कहीं तेजी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव भी है, इसको लेते हुए ही योगी जो है वो संवाद और संपर्क के तहत जो है लोगों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनकी जो जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको बताने की वहां पर कोशिश ज़रूर करेंगे। कहीं ना ये इस बार का जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक कार्यकाल को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए इसको बहुत ही खास माना जा रहा है। और आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में ओबीसी मोर्चा की तरफ से ये आयोजन किया गया था। इस आयोजन में यहाँ पर लोगों को जो है वो भंडारा खिलाया गया, छोले चावल का ये भंडारा था। और कहीं ना कहीं सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार सेवा एवं समर्पण के रूप में इस अभियान की शुरुआत की गई है जो 17 सितंबर से शुरू होते हुए 7 अक्टूबर तक खत्म होगा। कैमरा पर्सन उमेश के साथ मैं चेतना चौधरी, TV29 न्यूज दिल्ली। ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन करने का खास मकसद क्या रहा और कहां पर इस वक्त हम खड़े हैं जहां पे इस तरह का आयोजन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन को लेकर 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम पूरे दिल्ली में चलाए जा रहे हैं। सेवा ही समर्पण, इस तरह के हमारे सैकड़ों हजारों कार्यक्रम दिल्ली में चल रहे हैं और इसी को लेकर आज ये कनॉट प्लेस मंदिर, हनुमान मंदिर, मंगलवार को यहाँ पर ये भंडारे का कार्यक्रम चालू है। और भी कई कार्यक्रम हमारे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। संतोष पाल जी, सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है, तो ओबीसी मोर्चा को क्या इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको एक मतलब खुली जगह, खुले आसमान के नीचे इस तरह सभी मोर्चों को हमारे दिल्ली के सातों मोर्चों को ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नीचे तक जाएं और लोगों को बताएं। अच्छा, इसे किस तरह से देखते हैं संतोष जी, इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं, मतलब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ऐसा होता आ रहा है कि उनके जन्मदिन को एक पखवाड़े के रूप में काफ़ी दिनों तक मनाया जाता है। आज से पहले इस तरह का ऐसा नहीं होता था, तो क्या लगता है कि अच्छी पहल है ये? नहीं, बहुत अच्छा है ये, समाज के नीचे तक जाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है ये। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में पूरे देश को, पूरे संसार को मालूम है किस तरीके से वो लोगों की कसौटी पे खरा उतर रहे हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक
सरकार की सुविधाएं पहुंचे, उसका लाभ उनको मिले और किस तरीके से देश की जनता के लिए सरकार अच्छे से अच्छे काम कर रही है उसकी जानकारी भी वहां तक पहुंच जाए। तो ये कार्यक्रम हर साल चलता और निरंतर चलता रहेगा, आने वाले पता नहीं 20-30-40 वर्षों चलता ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई 2-4 साल से शुरू कर रखा है, ये निरंतर चलता रहेगा, निरंतर ही चलता रहेगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, मतलब एक अभियान चलाया जा रहा है, तो आज आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचकर कैसा लगा? ओबीसी मोर्चा की तरफ से यहां पर भंडारा का आयोजन था, क्या कहेंगे इस पर? मैं अभी सर्वप्रथम भैरव मंदिर है बैठक बाबा का अपना नेहरू पार्क में, पहला भंडारा हमारा वहाँ था, ये दूसरा भंडारा है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निवेदन था कि गिरीश जी आप इसमें आना, तो मैं इसमें उपस्थित हुआ और भंडारा जिस तरह विशाल रूप में था उसको देख के अति प्रसन्नता हुई। इसका आयोजन हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा मिलजुल के और बड़े बढ़ चढ़ के किया और बड़ा इसको सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जिस तरह से किया वो आप सबके सामने था, इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं जिस तरह से इन्होंने इसका आयोजन किया। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों से देखते हुए इस तरह का अभियान जो है वो लगता है कि संवाद और संपर्क दोनों को साधेगा? मुझे लगता है आज हमें मोदी जी के जन्मदिवस पर सेवा और समर्पण पे ही विषय लेना चाहिए, ये राजनीतिक विषय है। सर विषय तो वही है, पर वहाँ माननीय योगी जी का जो काम है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, जिस तरह से उनका भाव है वो यूपी की जनता कई चीज़ों का वहाँ से जवाब देगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, सेवा सप्ताह के बाद अब सेवा समर्पण अभियान पीएम नरेंद्र मोदी का, क्या कहेंगे इस पर? सेवा समर्पण का अभिप्राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सेवा के काम कर रही है और पिछले 20 साल से जो राजनीतिक जीवन नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है उस पूरे 20 साल में उन्होंने शायद एक दिन के लिए भी अवकाश नहीं लिया, तो इनका समर्पण दिखाता है देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, बस उसी को लोगों के बीच में और उनकी भावनाओं को लोगों से जोड़कर हम इन कार्यों को कर रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी लंबी आयु के लिए? जाहिर सी बात है, तो देश का एक एक व्यक्ति कहेगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, 100 से ज़्यादा वर्ष की उनकी आयु हो और वो लगातार जब तक जीवित रहें देश की सेवा करते रहें। सर, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो एक अभियान के तौर पर मनाया जा रहा है, हनुमान मंदिर के बाहर की जगह क्यों चुनी गई और आयोजन में क्या क्या विशेष रहा? हनुमान मंदिर की जगह इसलिए चुनी गई है कि आपने देखा होगा उनका स्वभाव और उनकी नीति है धार्मिक प्रवृत्ति की है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और दूसरी बात वो धर्म में बहुत विश्वास रखते हैं, तो हमने सोचा कि एक इतने बड़े महान व्यक्ति का अगर मंदिर के प्रांगण में जन्मदिन मनाया जाए तो हमारे लिए और दूसरे पे यहाँ जो लोग आते हैं वो भी मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। खुशी मिली हमें यहाँ करने की, हमारी व्यक्तिगत खुशी भी थी कार्यकर्ताओं की कि यहाँ पर किया जाए और कई जगह पर किया भी जा रहा है, ऐसा नहीं खाली यहीं किया है, हजारों जगह दिल्ली में ये सप्ताह जो है सेवा सप्ताह के रूप में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से मनाया गया है और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा हमारा। इसमें कई जगह हो चुका है, कई 100 जगह कई या हजारों जगह भी होना बाकी है। ये खुशी है, हमारे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हमें देश को दिया गया है और उनकी जो नीति है वो बहुत साफ़ है, मात्र देश के लिए सोचते हैं, किसी परिवारवाद की सोच उनकी नहीं है, किसी तरह की व्यक्तिगत सोच उनकी नहीं है, देश के बारे में सोचते हैं। एक बहुत बड़ा दौरा भी करके लौटे हैं देश में और उसका अभूतपूर्व स्वागत कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया, आपको जानकारी मिली होगी। ओबीसी मोर्चा की तरफ से आज जगह जगह भंडारे किए गए हैं, हमारे ज़िले में भी कई जगह भंडारे हो रहे हैं, मंडलों में भी हो रहे हैं और प्रदेश स्तर पे भी किए जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आज हमने यहाँ पे भी भंडारा किया है, हनुमान मंदिर प्राचीन ही हमारा, तो वैसे भी राम जी के लिए वो हमेशा ही चलते आ रहे हैं तो वही हमने हनुमान जी के लिए यहाँ पे भंडारा किया है सबके लिए, तो इसीलिए इस मंदिर की जगह चुनी हनुमान जी। बिल्कुल, मोदी जी हर जगह और योगी जी सब चलता है, जय श्री राम, तो राम जी को हनुमान जी को कैसे वो करें, तो हमने हनुमान जी के यहीं पर ही भंडारा किया है। पिंकी सिंधु, ITCL, OBC मोर्चा, दिल्ली प्रदेश। पिंकी जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो सेवा समर्पण दिवस के रूप में एक अभियान के तौर पे मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और आज कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के बाहर आयोजन किया गया। हाँ जी, क्या कहेंगे उसके लिए, आप भी इस आयोजन में शामिल हुई?
बिल्कुल हमको बहुत अच्छा लगा श्री मनोहरी जी के जन्मदिन में अवसर रखा गया है जिसमें सभी गरीब लोगों को छोले चावल का प्रसाद के रूप में उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये सभी मंडलों जिलाओं ओबीसी मोर्चा के सभी लोगों ने किया है। ये प्रदेश की तरफ से किया गया है यहाँ पे जिसमें हर वर्ग के हर तरह के लोगों का देखिए बहन जी बात यह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा वो चल रहा है सेवा संगठन समर्पण वो चल रहा है सभी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं और सब कोई किसी तरीके से कर रहा है कोई किसी तरीके से कर रहा है। आज हमारे ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश की ओर से यहाँ पर भंडारा लगा करके उसको किया है उसमें हम सब लोग शामिल हैं और यहाँ पर भंडारा किया जा रहा है और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएँ हैं जो योजनाओं पर काम कर रहे हैं चाहे मंदिर की सफाई करनी हो चाहे कोई वृक्षारोपण करना हो या कोई भी हम 17 तारीख से और 7 तारीख तक हमारे प्रोग्राम डेली चल रहे हैं और चल रहे हैं यहाँ पे पूरी दिल्ली के अंदर हम काम कर रहे हैं अपनी जगह। मोर्चा की तरफ से आज किस तरह का आयोजन किया गया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद आज वह देश के शीर्ष नेतृत्व पे अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में पहुँचे तो उनके जीवन एक संघर्ष से भरा रहा पर उस संघर्ष के पीछे मूल कारण कोई अपना निजी हित साधना नहीं था। उस संघर्ष के पीछे अगर हम देखते हैं तो उनका एक ही भाव था सेवा का भाव। इसलिए संगठन ने तय किया कि उनके जन्मदिन पर हम सेवा रूप में ही बनाएंगे। इसी कारण से आज मंडल स्तर जिला स्तर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्तरों पर हम सेवा के जो भी माध्यम हो सकते हैं जैसे भोजन वितरण है फल वितरण है ब्लड डोनेशन है अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा के रूप में हम इस जन्मदिन को बना रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेश के साथ टीवी 29 न्यूज़ के लिए मैं चेतना चौधरी दिल्ली।